अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने। ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को समन किया है सीबीआई ने और कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और मनीष सिसोदिया के घर पर रेड भी हो चुकी है इस मामले में। और अब कल सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, सुबह 11 बजे का वक्त उनको दिया गया है। तो शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को समन किया है सीबीआई ने, कल सुबह 11 बजे हाजिर होने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली में, शराब घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ समन जारी हुआ है सीबीआई का और सीबीआई ने कल उन्हें सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। तो लगातार शराब घोटाले की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और इस जांच के सिलसिले में अब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा है और मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए कल सुबह 11 बजे बुलाया गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ अभय पराशर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ये समन मिल चुका है मनीष सिसोदिया को, रिसीव कर चुके हैं उनकी तरफ से कोई अपडेट? को समन दिया गया है और सीबीआई ने साफ तौर पर यह कहा है कि कल 11 बजे से 12 बजे के बीच में मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए पहुंचना है। इससे पहले मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ उनके घर में, जो कि आईटीओ के पास उनका घर है प्रगति मैदान के सामने, वहां पर घंटों उनसे पूछताछ हुई है। सुबह करीब 7:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक मनीष सिसोदिया से इस मामले में न केवल सीबीआई ने पूछताछ की थी बल्कि उनके घर में तलाशी ली गई थी, उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई थी। और अब इस पूरे मामले के अंदर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिसमें विजय नायर है, इसके अलावा जो महेंद्रू है उनके घर भी रेड हुई थी। तो इस पूरे मामले में जो सीबीआई के सूत्र है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो आपका जो नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार लेकर आई थी उसमें ये आरोप लगे थे कि मनीष सिसोदिया का एक करीबी है दिनेश अरोड़ा, उसकी कंपनी को 1 करोड़ रुपए जो है वो पहुंचे थे, इस तरीके के सबूत है। मनीष सिसोदिया को कल जो समन दिया गया है वो पहले भी एक दौर की पूछताछ लंबी हो चुकी है और अब कल एक बार फिर से सीबीआई ने उनको समन किया है। जैसा कि अभय बता रहे हैं, सुबह 11 बजे उनको हाजिर होने के लिए कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।